नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ गया है रबजी लाइव न्यूज के साथ। नालंदा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई एक दर्जन से अधिक लूट डकैती की घटना को पुलिस ने उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता को हासिल किया है। जी आपको बताते चले कि हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नालंदा जिला के चंडी वेन खुदागंज छबिलालपुर पीर बिगहाय कंगर सराय सीमावर्ती थाना पुनपुन पटना के हाल के दिनों में हुए लूट डकैती की घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए नालंदा एसपी के निर्देशानुसार एसआईटी टीम का गठन किया गया। देखिए, आज हम लोग नालंदा जिला में कुल करीब 5-6 थाना है जहां पर की लगातार घटना घट रही थी और वो मूल रूप से घटना थी धान को बोरा खाना कराता था या कहीं रखवाले भी रहते थे, धान के बोरा को अटैक करता था, ये लोग पिकअप में जाकर के भाई करके उसको लूट रहे थे। इसमें मोडस ऑपरेंडी इनका क्या था कि पिकअप से ही जाते थे, एक पिकअप से दो पिकअप से इनकी संख्या में 10-12 नहीं रहती थी, ये लोग पहुँचते थे। अगर वहाँ पर रखवाले कोई हैं या कोई देखने वाले व्यक्ति हैं तो उनको सीधे कब समझते थे, हथियार के बल पर लूटते थे और लूट करके उनको बंधक बना कर ले जाते थे, ले जा करके फिर छोड़ देते थे और जहाँ पर कोई रखवाला नहीं तो वहाँ पर सीधे वो तरीके से चोरी करके चले जाते हैं। यह अगरतला अनुसंधान में बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ कि यह एक गिरोह था, एक गिरोह के रूप में यह सक्रिय रूप में काम करते थे। जो गिरोह में यह है कि जिसने ऑलरेडी धर्मकांटा बना रखा है, उनके में गोदाम है, उनसे कंटेक्ट रखते थे सुनसान एरिया में उनको, और वहाँ पर रात में ही खोल करके वो आ करके उनके पास गोदाम में रखते थे। संभव है कि वह कीमत उनको पूरा नहीं मिलता होगा, आधा कीमत मिलता होगा और वह एक संगठित गिरोह के रूप में यह क्राइम हो रही थी। किसान चूंकि काफ़ी तरहमाम थे और इसी कारण से कई घटनाएं भी घट रही थी, किसान लोगों को एक दूसरे पर आरोप भी लग रहा था कि हमारा धान किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया, इस तरह से आपराधिक घटनाएं आपस में भी बेमनस्ते कारण से घट रही थी। हम लोग ने काफ़ी सीरियसली किया, पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी इस घटना को संवेदनशील होकर देखे और चूंकि यह एक ही तरह की घटना नालंदा जिला के चंडी थाना में, परवरपुर थाना में, बेन थाना में, पीरबीघा ओपी में, खुदागंज थाना में, इसके अतिरिक्त अन्य छबिलापुर थाना में जो भी घटना घटित थी उस पर पकड़ा गया। ये हर जगह एक ही तरह की घटना घटित हुई थी, इसलिए उन्होंने इसे चिंता जताई और उन्होंने एक गंभीर बड़े लेवल पर अनुमंडल स्तर पर एक एसआईटी गठन किया। एसआईटी गठन में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के आसपास, इस्लामपुर थाना क्षेत्र, चंडी थाना क्षेत्र, आपका खुदागंज थाना, छबिलापुर, हिलसा, एकंगर सराय, सभी जगह के थानाध्यक्षों को और बड़े अच्छे अच्छे पदाधिकारी जो कि समाज पदाधिकारी रहे इस मामले में काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से ब्रीफ किया गया कि हम लोग सही तरीके से इस कांड को उद्भेदन करें और रिकवरी करें। इसी रिकवरी के सिलसिले में हम लोगों ने मानवीय और तकनीकी आधार पर इसका संपूर्ण अनुसंधान करी, अनुसंधान क्रम में एसआईटी ने प्रस्थान किया। वह संयोग हुई यही कि उसी दिन इन्होंने छबिलापुर के एरिया में उन्होंने अपना लोकेशन बनाया था और लोकेशन बना करके उन्होंने लूटपाट की घटना किया। करीब वहां पर 200 आज के दिन में उनके निशानदेही पर संभव है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसलिए हम लोग आज रात में भी रेड करेंगे। इसमें एक जो बड़ी घटना घटी है कि दूसरे पिकअप पर अन्य अपराधी थे जो लूट की घटना कर रहे थे, उसने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां फायर की उस, और इसका चूंकि रात्रि का समय था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस पर फायरिंग चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको फायरिंग कर रही है, जो ड्रिल है इनके पुलिस के पास ड्रिल होती है, तो उन्होंने इसको सतर्कता बरतते हुए उन्होंने सुरक्षा किया, तब तक उन्होंने भागने में सफल हुआ। कुल अभी तक 6 अपराधकर्मी भागने में अब तक सफल है, हम लोग ने लगातार उस पर रेड कर रहे हैं और हम लोग ने कुल मिलाकर के इस कांड से संबंधित 3 कांड दर्ज हुए हैं, जो कि एक एक्सीडेंट के कांड दर्ज हुए हैं, दूसरा एक लूट जो कि डकैती करने जो छबिलापुर थाना कांड दर्ज हुई है, तो तीसरा जो पुलिस पर हमला और लापरवाही से इन्होंने जो इस तरह से पुलिस को हमला किया है और आम गोली चलाया है उसके लिए कांड दर्ज। कुल मिलाकर के अभी इस उद्भेदन में कुल करीब 10-12 कांड का उद्भेदन हुआ है, सभी अपराधियों का लंबा अपराधिक इतिहास है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये सीजनल क्राइम करते हैं, कभी मवेशी चोरी का समय आ गया तो मवेशी चोरी करेंगे, मवेशी चोरी का जो मौका नहीं रहा तो ट्रैक्टर चोरी करेंगे और ट्रैक्टर
जो किसान जो रखते हैं अपने धान बुवाई ट्रैक्टर के खेत में रखते हैं तो उसमें ट्रैक्टर को चोरी करते हैं और समर्थित बीजों को घुसते हैं। उसके बाद जब अभी फसल कटने का समय होता है तो वो फसल का जो धान उपज जाता है उसको कुल मिलाकर के नालंदा जिला में जो लगातार घटना घटित हो रही थी उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे और एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। अभी तक इसमें कुल पकड़ाए गए अपराधी हैं जिसमें कि सचिन कुमार और घंटी पिताजी का नाम उदय प्रसाद रूपसपुर के हैं, दूसरा मौनी बाबा जिसका सत्यप्रकाश नाम है वो खिरुबीघा के रहने वाले हैं, अरुण प्रसाद पिताजी का नाम जदुनंदन प्रसाद जो सरसिया के थाना हिलसा के रहने वाले हैं, गोल्टिस पिताजी नाम विजेंद्र प्रसाद जो चक जोहरा थाना हिलसा के रहने वाले हैं, एक लक्ष्मण रजक जो चम्भेरा के हैं एक उम्र सहित थाना। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जिसकी हम चर्चा में किए संतोष कुमार जिसकी मृत्यु हो गई है शेष बचे अभियुक्त अभी तक अनुसंधान में आए हैं कि 6 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं उस पर हम लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक जहां पर इन्होंने सामान को डंप करता था जो माल को इन्होंने इसको देता था उसकी भी पहचान आपको बता दें। मानवीय व वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इस कांड के लिए एक सक्रिय गिरोह है जो जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दे रहा है। एक दिन पूर्व पुलिस को सूचना मिली कि इस गिरोह के द्वारा इस्लामपुर और छबिलापुर थाना क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। गिरोह के द्वारा किसान का धान लूटकर पिकअप पर ट्रक से लेकर भाग रहा था, तभी गठित टीम ने घेराबंदी करते हुए इसका पीछा किया तो लुटेरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। जवाब में अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस को भी जवाब में फायरिंग करना पड़ा। इस दौरान खुद की लापरवाही से हादसे में एक लुटेरे की जान भी चली गई। मौके पर से गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें साथ ही साथ लूट में हुए थाना पर लदे पिकअप वैन को भी बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े के लुटेरा के विरुद्ध में नालंदा व पटना जिले के विभिन्न थाना में दर्जनों कांड दर्ज है। इसके निर्देशानुसार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।